हे गाइस, दुनिया में कई सारे रास्ते हैं पैसे कमाने के लिए, लेकिन YouTube एक ऐसा रास्ता है जो फ्रीली अवेलेबल है। आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो किस तरीके से आप YouTube पर अर्न कर सकते हो और क्या प्रोसीजर है YouTube पर अर्न करने का, इन सारी चीजों पर और बातें करेंगे इस छोटे से इंट्रो के बाद। YouTube पर डेली 2.3 बिलियन यूजर्स लॉग इन करते हैं। कई सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो वीडियोस अपलोड कर करके इसके थ्रू पैसे अर्न करते हैं। तो किस तरीके से आपको स्टार्ट करना है यूट्यूब की जर्नी, चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट चीज जो आपको जरूरत पड़ेगी वो है एक यूट्यूब चैनल और एक आइडिया। अब आइडिया कोई भी हो सकती है, ये एक हॉबी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको जिम पसंद है तो आप जिम टिप्स के ऊपर चैनल बना सकते हो। अगर आपको कुकिंग पसंद है तो आप कुकिंग के ऊपर चैनल बना सकते हो। कुकिंग में आप डिजर्ट्स कैसे बनाते हो वो सिखा सकते हो और कई सारी नई डिशेस सिखा सकते हो लोगों को। बेसिकली यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपना टैलेंट शो कर सकते हो, भले ही वो कोई भी टैलेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, हेयर स्टाइलिंग है। अगर आपको टेक वाली चीजें पसंद है तो आप टेक्नोलॉजी पे चैनल बना सकते हो। अगर आपको मोबाइल फोन्स की बहुत नॉलेज है तो आप मोबाइल फोन्स के एप्स को रिलेटेड लेकर वीडियोस बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल फोन के एप्स को कैसे यूज करें, किस तरीके से ऐप्स के जरिए पैसे कमा सकते हो, कौन सा मोबाइल बेटर है, कौन सा मोबाइल हमें बाय करना चाहिए, कौन सा मोबाइल 10,000 के रेंज में आता है, इस तरीके से आप कई सारे वीडियोस बना सकते हो और एक चैनल स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए अब मान लेते हैं कि आपने एक आइडिया फिक्स कर ली है और आपने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लिया है। अब यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के बाद सेकेंड चीज जो आती है वो है यूट्यूब चैनल का नाम। अब यूट्यूब चैनल का नाम आपको बहुत ही सिंपल और बेसिक रखना है ताकि आपके व्यूअर्स को आपका चैनल याद रहे और उनको फ्यूचर में जाकर आपके चैनल पर वापस आना है तो वो इजीली आपके चैनल को सर्च कर पाए और आपके चैनल पर आकर कई सारे वीडियोस देख सके। थर्ड जो पॉइंट है वो है कि आपको क्वालिटी कंटेंट देना है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी वीडियोस बनाकर अपलोड कर दोगे तो आपकी वीडियोस चल पड़ेगी। आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते हो, आपको जेन्युइनली सही वीडियोस बनाने हैं। अगर मोबाइल फोन्स को लेकर चले तो मोबाइल फोन में कोई एरर आई है तो उसे कैसे रिजोल्व करना है आप सही तरीके से बताइए। आप बेवकूफ मत बनाइए लोगों को और इस तरीके से आप क्वालिटी वीडियोस बनाइए और अपलोड करते जाइए। फोर्थ जो पॉइंट है वो है कि आपको एक कैमरा की जरूरत पड़ेगी। तो आजकल मोबाइल फोन्स तो हर किसी के पास होते हो, तो बस आप अपनी मोबाइल फोन्स को स्टैंड पर लगाकर एक स्टेबल वीडियो बना सकते हो और उसे अपलोड कर सकते हो। आगे जाकर जब आपका चैनल पॉपुलर हो जाए और आप पैसे कमाने लग जाओ तब आप एक DSLR बाय कर सकते हो और उससे भी रिकॉर्ड कर सकते हो अपनी वीडियोस को। बट ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको DSLR से ही शूट करना है, आप अपने फोन से भी शूट कर सकते हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि आपकी ऑडियंस रिटेंशन अच्छी होनी चाहिए आपकी वीडियोस पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 10 मिनट की एक वीडियो अपलोड की है और वो वीडियो को लोग एक ही मिनट तक देख रहे हैं, यानी कि आपकी ऑडियंस रिटेंशन 10% हो गई, तो इससे आपकी वीडियो रैंक नहीं करेगी। आपको मेक श्योर करना है कि आपकी वीडियो आखिर तक लोग देखे। तो जब आपकी लोग वीडियो आखिर तक देखेंगे तब आपकी ऑडियंस रिटेंशन अच्छी होगी, और जब आपकी ऑडियंस रिटेंशन अच्छी होगी तब भी जाकर आपकी वीडियोस रैंक करेगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि आपको उस लैंग्वेज में वीडियोस रिकॉर्ड करनी है जिसमें आप कंफर्टेबल हो और आप व्यूअर को इजीली समझा पाओ। अगर आप कोई कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज यूज कर लोगे जो आप खुद प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हो तो आपके व्यूअर खुद समझ नहीं पाएंगे और आप सही से कन्वे नहीं कर पाओगे। तो आपको उस तरीके की लैंग्वेज यूज करनी है जिसमें आप खुद कंफर्टेबल हो। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि आपको रेगुलरली वीडियोस अपलोड करना है। अगर आप रेगुलरली वीडियोस अपलोड नहीं करोगे तो उसके दो कॉन्सिक्वेंसेज है। पहला जो कॉन्सिक्वेंस है वो है कि अगर आपने आज एक वीडियो अपलोड की है और फिर आप दूसरी वीडियो एक महीने बाद अपलोड करते हो तो इससे आपके व्यूअर और आपके बीच में जो कनेक्शन है वो टूट सा जाएगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि व्यूअर आपके चैनल तक को भूल जाए। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप रेगुलरली वीडियोस अपलोड करते रहे। सेकेंड जो कॉन्सिक्वेंस है वो है कि आप अपनी खुद की ग्रोथ नहीं कर पाओगे अगर आप एक एक महीने में एक वीडियोस अपलोड करने वाले हो तो। तो आपको मेक श्योर करना है कि अगर आप खुद की ग्रोथ चाहते हो और आप यूट्यूब पर सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको रेगुलरली वीडियोस अपलोड करने हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि आपने वीडियोस अपलोड कर लिया, आपने चैनल बना लिया, अब आप अपने चैनल को मोनिटाइज कैसे कर सकते हो। तो मोनिटाइज करने के लिए एक ही क्राइटेरिया है, आपको अपने चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं और आपको 4000 आवर्स का वॉच टाइम पूरा करना है। अगर आप इन दो क्राइटेरियाज को मीट कर लोगे तो आपके चैनल पर मोनेटाइजेशन एनेबल हो जाएगी और आपको पैसे आने शुरू हो जाएंगे। हमारे चैनल पर कई सारे और वीडियोस हैं जिसको आप देख सकते हो, मैंने अपने चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उस पर जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और कई सारे वीडियोस देख सकते हो जिससे आप अपने आप को यूट्यूब पर ग्रो कर सकते हो और पैसे अर्न कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।